This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। रजनीकांत की फिल्म 2.0 के डर में कितनी सच्चाइयां हैं। एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ा और फांसी लगा ली, फिर हजारों पक्षी उस टावर के इर्द गिर्द मंडराने लगे, मानो उस शख्स की मौत का विलाप कर रहे हों। फिल्म स्टार रजनीकांत की मूवी 2.0 यहाँ से शुरू होती है। मूवी के अगले सीन में अचानक लोगों के फ़ोन हवा में उड़ने लगते हैं। हर इंसान का फ़ोन गायब हो चुका है। सरकार ने पूरी पुलिस फोर्स को मोबाइल ढूंढने के काम पे लगा दिया, लेकिन किसी को यह पता नहीं चल पाया कि फ़ोन आखिर गया कहाँ। फिर उसी मोबाइल से फ़ोन से बना एक शख्स सामने आया। गुस्से से भरी आंखों से वह कहता है कि सेल फोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है। वो हर तरह को सजा देना चाहता है। उसका दावा है कि मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन पक्षियों की मौत का कारण बन रहे हैं। सारी फिल्म इसी दावे के इर्द गिर्द घूम रही है। फिल्म में क्या है ये देखने के लिए आपको थिएटर में जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही फिल्म देखकर आप थिएटर से बाहर निकलेंगे आपको किसी मुजरिम जैसा महसूस होने लगेगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आप सच में एक हत्यारे हैं, उन बेजुबान परिंदों के हत्यारे। आपके मन में कई तरह के सवाल उठेंगे कि क्या सच में मोबाइल टावर रेडिएशन से पक्षियों की मौत हो जाती है। पक्षियों की डॉक्टर और वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर रीना देव कहती हैं कि कई चीज़ें जो फिल्म में दिखाई गई हैं वो सच हैं। डॉक्टर रीना के मुताबिक पक्षी दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो हमारे आसपास रहते हैं और एक वो जो यहाँ बाहर से आते हैं। बाहर से आने वाले पक्षियों को माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी कहा जाता है। कुछ पक्षी दूसरे देशों में से मीलों का सफर करते पहुँचते हैं। वो धरती के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अपना रास्ता ढूंढते हैं। उनका खुद का नेविगेशन सिस्टम होता है, लेकिन जब वो मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन के संपर्क में आते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। डॉक्टर रीना एक वाक्य सुनाती हैं कि मुझे एक बार एक मास्कार्ड बूवी प्रवासी पक्षी मुंबई के अंधेरी ईस्ट के इंडस्ट्रियल एरिया में मिला। वो समुद्री पक्षी है, इसलिए उसका इंडस्ट्रियल एरिया में मिलना हैरानी भरा था। शायद वो अपना रास्ता भटक कर यहाँ आ गया था। साल दर साल इस स्थिति से मिलने वाले पक्षियों की तादाद बढ़ती जा रही है। रीना के मुताबिक रेडिएशन की वजह से पक्षियों की प्रजनन क्षमता, अंडों के आकार, अंडों के छिलके की मोटाई पर ही फर्क पड़ता है। रीना कहती है कि विदेशों में मोबाइल टावर के पक्षियों पर बुरे असर को लेकर कई शोध हुए हैं, लेकिन भारत में ऐसा और रिसर्च की जरूरत है ताकि पुष्टि तौर पर कहा जा सके कि सच में मोबाइल टावर से ऐसे नुकसान हो रहे हैं। पक्षी विज्ञानी पंकज गुप्ता भी ऐसी स्टडी की जरूरत बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी बातें आई तो हैं, लेकिन अब तक विदेशों में भी ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो इस बात की 100% पुष्टि करती हो कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से पक्षियों को नुकसान होता है। पंकज के मुताबिक शहरों में पक्षी इसलिए नहीं आते क्योंकि जंगल कम हो रहे हैं, पानी के तालाब कम हो रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है और रहने को भी नहीं है। उनका कहना है कि कई प्रवासी पक्षी इसीलिए भड़क जाते हैं क्योंकि वो हजारों किलोमीटर का सफर करके आ रहे होते हैं। ऐसे में कई बार तो तूफान और खराब मौसम की वजह से भी इधर उधर हो जाते हैं। तमिलनाडु में मदुरई के अमेरिकन कॉलेज में जीव विज्ञान के प्रोफेसर एम राजेश ने बताया कि ऐसा भी नहीं कि रेडिएशन का असर नहीं पड़ता, लेकिन ये असर जानलेवा नहीं होता है। राजेश कहते हैं कि मोबाइल टावर से तो पक्षियों के लिए खतरनाक हैं क्योंकि उनमें टकरा कर उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन इतनी खतरनाक नहीं होती। जब लैब में पक्षियों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन में रखकर उपयोग किया जाता है तो उन पर असर दिखता है। इस पर प्रोफेसर एम राजेश कहते हैं कि लैब में रेडिएशन पक्षियों पर सीधा पड़ता है, इसलिए पक्षियों के शरीर पर उसका बुरा असर होता है, लेकिन असल में जो मोबाइल टावर हैं उनमें निकलने वाला रेडिएशन वातावरण में फैल जाता है या जीव जंतुओं पर सीधा नहीं पड़ता, इसलिए वो इतना नुकसान नहीं पहुँचाता। एम्स के रेडियोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व डीन डॉक्टर प्रमोद कुमार जुर्का भी प्रोफेसर राजेश से सहमति जताते हैं। वो कहते हैं कि रेडिएशन दो तरह के होते हैं, एक आयनाइजिंग और दूसरा नॉन आयनाइजिंग। एक्सरे की रेडिएशन आयनाइजिंग होती है जो कि शरीर के लिए नुकसानदेह है और इससे कैंसर हो सकता है। वहीं मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन लो एनर्जी रेडिएशन होती है, ये इतनी खतरनाक नहीं होती। इसका रेडिएशन इतना शक्तिशाली नहीं होता जिससे डीएनए को नुकसान पहुंच सके। ये एक मिथक है कि घर के आसपास लगे टावर बहुत खतरनाक हैं। जब तक कि कोई पुख्ता स्टडी सामने नहीं आती तब तक इसे माना नहीं जा सकता, लेकिन आबादी वाले इलाकों में बढ़ते मोबाइल टावरों पर लगातार विरोध होता रहा है। मोबाइल टावरों के विरोध में अभिनेत्री जूही चावला ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की है। इसी तरह के विरोधों को देखते हुए प्रणाली मंत्रालय ने कुछ समय पहले एक समिति बनाई थी जिससे पक्षियों मधुमक्खियों समेत वन जीवों पर मोबाइल टावर से होने वाले असर को पता लगाने का काम सौंपा गया था। इसमें पाया गया कि भारत सेलफोन का सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है, लेकिन सेलफोन टावर की लोकेशन को लेकर कोई नीति नहीं है।
समिति ने रेडिएशन के असर से जुड़ी 919 रिपोर्टों का अध्ययन किया। इनमें से 81 रिपोर्टों पर इंसानों पर असर से जुड़ी थी, जबकि 3% ने पक्षियों पर असर का अध्ययन किया था। इनमें से 30 अध्ययनों में से 23 में पाया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन का पक्षियों पर बुरा असर होता है। इस समिति के अध्यक्ष रहे असद रमदानी ने बताया कि समिति के सदस्यों ने लिटरेचर सर्वे मौजूदा लिखित सामग्री के आधार पर किया था। वक्त की कमी चलते वो फील्ड वर्क या बाहर जाकर प्रयोग नहीं कर पाए। उनका कहना है कि लिखित सामग्री का कोई सीधा सबूत नहीं माना जा सकता, इसलिए उनकी समिति ने इस मसले पर वैज्ञानिक अध्ययन करने का सुझाव दिया था, जिसमें बड़ा सैंपल लेकर रिसर्च की जाए। रहमानी के मुताबिक रिसर्च में रेडिएशन एक्सपर्ट इंसानों और जानवरों की फिजियोलॉजी का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ होने चाहिए। ऐसा प्रयोग हो जिनमें पक्षियों को अलग अलग तरह की रेडिएशन दी जाए और देखा जाए कि इससे उनसे क्या असर होता है। रामायणी कहते हैं कि पक्षी इंसानों की बहुत मदद करते हैं। वो बीज को एक दूसरे से दूसरी जगह ले आते हैं, जिससे पौधे उगते हैं। वो बीड़ों को कीड़ों को खाकर पेस्ट कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब फलों को बचाने के लिए जो कीटनाशक डाले जा रहे हैं उससे कीड़े मर जाते हैं। कीटनाशक वाले फलों को खाने से उनके शरीर में भी कीटनाशक चले जाते हैं, जिससे उनमें कैंसर की कमी हो जाती है। उसका असर उनके अंडों पर पड़ता है। पक्षी शहर में इसलिए भी नहीं आते क्योंकि उन्हें घोंसले बनाने की जगह नहीं मिलती और खाने को नहीं मिलता। पक्षी विज्ञानी पंकज गुप्ता कहते हैं कि कई लोग गोरैयों को शहरों में ढूंढते हैं, उन्हें गांव में जाकर देखना चाहिए कि आज भी वहां मिलती हैं। वो कच्चे घरों में छोटे छोटे छेद करके घोंसले बनाती हैं, खेतों में जाकर खाती हैं, तो शहरों में कैसे मिलेंगी। कुछ देशों में तो गोरैयां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि उन्हें खाना देने पर बैन लग गया है। असर रहमानी कहते हैं कि कई पक्षियों के घोंसले मोबाइल टावरों के पास होते हैं, वो तो नहीं मरते, कुछ तो टावर पर ही घर बना लेते हैं। कबूतर कौओं को देखिए, वो तो शहरों में टावरों के बीच खूब फूल फल रहे हैं। हालांकि डॉक्टर इरीना देव कहती हैं कि कबूतर शहरी पक्षी है, वो हमारे रहन सहन में ढल जाते हैं, इसलिए उन्हें इतनी परेशानी नहीं होती है। डॉक्टर इरीना और संसार रहमानी दोनों ही ये मानते हैं कि इस विषय पर विस्तृत रिसर्च हो, जिससे कोई ठोस जानकारी सामने आ पाए। ऐसा नहीं है कि भारत में मोबाइल टावर से निकालने वाले रेडिएशन का कोई रिसर्च नहीं हुआ है। डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर आर के सिंह ने कर्नाटक के बीजापुर समेत कई इलाकों में अध्ययन किया है। डॉक्टर सिंह ने बताया है कि उन्होंने बीजापुर में लगे अलग अलग टायरों के नजदीक जाकर कुछ घंटे सुबह और शाम कुछ घंटे बिताए। ऐसा उन्होंने 3 महीने तक किया। वहां उन्होंने देखा कि कौन कौन से पक्षी कितनी तादाद में आती हैं। साथ ही उन्होंने आसपास के लोगों में सर्वे किया और पूछा कि पिछले 5-3 सालों में इन इलाकों में कौन कौन से पक्षी हुआ करते थे जो आज नहीं दिखते। रिसर्च पूरी होने के बाद उन्होंने बताया कि टायरों की वजह से पक्षी उस इलाकों से गाँव और जंगल की ओर चले गए। डॉक्टर आर के सिंह की स्टडी ने दावा किया कि नॉन आयर आईना इजिंग रेडिएशन के असर में भी असर लगातार हो रहा है तो नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि 2.0 में दिखाई गई चीजें सही हैं। वहीं सेलर ऑपरेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट को चिट्ठी लिखकर इस फिल्म पर आपत्ति जताई थी। COAI के डायरेक्टर जनरल राजन एम मैथ्यू ने बताया कि हमने CBFC को लिखा है कि इस फिल्म से मोबाइल फोन और टायर के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। सरकार ने 1 सितंबर से मोबाइल टावरों की रेडियो फ्रिक्वेंसी की पावर करने का आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक दूरसंचार विभाग को रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड 1800 मेगाहर्ट्ज की एक्सर पोजर लिमिट मौजूदा स्टैंडर्ड 9.2 से घटाकर 0.92 वाट पर स्क्वायर मीटर करने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि दो टावरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सरकार लोगों और जानवरों की सेहत की चिंताओं को देखते हुए बीते कई सालों में मोबाइल सर्विस ऑपरेटरों पर सख्ती कर रही है, लेकिन इससे मोबाइल फोन ऑपरेटर्स को खराब नेटवर्क और कॉल ड्रॉप की समस्याएं भी झेलनी पड़ रही हैं। 2013 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के रेडिएशन एक्सपर्ट माइकल रेपाचोली भारत आए थे। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ने रेडिएशन के नुकसान को कम करने के लिए मोबाइल टावर की रेडियो फ्रिक्वेंसी को पावर कम करने का जो आदेश दिया है उसका उल्टा नुकसान हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि टावर की पावर कम करने से लोगों के स्वास्थ्य पर उल्टा बुरा असर पड़ रहा है। माइकल ने कहा कि बेस स्टेशन की पावर कम करने का भारत का फैसला कम खतरनाक नहीं है। अगर आप बेस स्टेशन की पावर कम कर देते हैं तो आपका मोबाइल ज्यादा फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है ताकि उसका फोन नेटवर्क से जुड़ा रहे। फोन शरीर के पास रहता है तो उससे अधिक नुकसान हो सकता है। माइकल ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों पर भारी पड़ा है, उन्हें ज्यादा टावर लगाने पड़ रहे हैं जिससे उनका खर्चा बढ़ गया है। इस बीच तमाम दावों के बीच मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन को लेकर चिंताएं अब भी कायम है। सच्चाई क्या है ये जानने के लिए विशेषज्ञ साइंटिफिक स्टडी कराने के लिए सुझाव देते हैं।